हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पहली बार दी प्रतिक्रिया। मायावती बोली, केंद्र सरकार को जेपीसी जांच करा देना चाहिए, इस मुद्दे से केंद्र की विश्वसनीयता प्रभावित। सीएम योगी ने 1036 अभ्यर्थियों को बांटा नियुक्ति पत्र। लोकभवन में नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। सीएम बोले, बिना किसी सिफारिश के नौकरी मिल रही, नौकरी के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ती, निष्पक्ष पारदर्शिता तरीके से भर्ती हो रही। इसी प्रदेश में पहले दंगे हुआ करते थे। उपचुनाव को लेकर सपा की तैयारियां तेज। अयोध्या में सपा ने सौंपी कमान योगी के सामने। सपा ने अवधेश को कमान सौंपी। लाल बिहारी को भी मिल्कीपुर का जिम्मा मिला। पार्टी ने 5 अन्य सीटों पर भी तय किए चुनावी प्रभारी। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक किए नियुक्त। सीसा मऊ से किशोरी लाल शर्मा को पर्यवेक्षक बनाया। मीरापुर से सांसद इमरान मसूद को पर्यवेक्षक बनाया। कुंदरकी से सांसद राकेश राठौर को पर्यवेक्षक बनाया गया। गाजियाबाद से तनुज पुनिया, मंझवा में वीरेंद्र चौधरी पर्यवेक्षक, फूलपुर से उज्जवल रमन सिंह, कटहरी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मिल्कीपुर में अखिलेश प्रताप सिंह पर्यवेक्षक बनाए गए। दुष्कर्म मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। बिहार के मधुबनी जिले में लड़की के साथ दुष्कर्म। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्ची के साथ रेप। बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। बिहार की यह रिपोर्ट अति दुखद और चिंताजनक। बिहार सरकार दोनों घटनाओं पर कार्रवाई करे ताकि इस तरह की घटना फिर से न हो सके। उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का बड़ा बयान। मीरापुर आरएलडी की पारंपरिक सीट रही। मीरापुर से आरएलडी ही चुनाव लड़ेगी। हम चाहते हैं कि सभी सीटों पर एनडीए जीते। आरएलडी की सीटों का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। मायावती की बीएसपी एक सीट भी नहीं जीतेगी। संभावनाओं के प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश को बड़ी कामयाबी। तेजी से उभरते 100 शहरों में यूपी के 4 शहर शीर्ष पर। संभावनाओं के शहर बने काशी, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ। सीएम योगी के प्रयासों से इन शहरों का हुआ कायाकल्प। कनेक्टिविटी, बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षा से बदला माहौल। 32,000 करोड़ की परियोजनाओं से अयोध्या का कायाकल्प। लखनऊ में हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ। सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा को किया रवाना। घर घर जाकर तिरंगा लहराएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। सीएम बोले, तिरंगा यात्रा देश प्रेम का संदेश देगी। भारत तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। पीएम के नेतृत्व में देश को आगे लेकर जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना साकार हुई। कन्नौज मामले में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान। बोले, कन्नौज केस में सपा नेता आरोपी। नवाब सिंह यादव सपा का नेता है। अपराधी को कवर देती है सपा। सपा अपराधियों का साथ देती है। यूपी के 2 लड़कों के साथी अपराध करते हैं। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का मामला। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव और बालकृष्ण को बड़ी राहत। दोनों के खिलाफ चल रहा अवमानना का केस बंद। दोनों का माफीनामा सुप्रीम कोर्ट ने किया मंजूर। रामदेव ने कहा, दोबारा भ्रामक विज्ञापन नहीं देंगे। एससी को भ्रामक विज्ञापन न देने का भरोसा दिया। दिल्ली सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को भी कोर्ट में दी चुनौती। 15 अगस्त को झंडा नहीं फहरा सकेंगी आतिशी। जीएडी ने आतिशी को झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी। दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुमति नहीं दी। केजरीवाल के निर्देश पर राम गोपाल ने पत्र भेजा था। जीएडी ने कहा, झंडा अरविंद केजरीवाल फहरा सकते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला। देश भर में दूसरे दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। दिल्ली में आरआईएमएस के डॉक्टर्स ने किया कार्य का बहिष्कार। बहिष्कार के दौरान ओपीडी सेवाएं रही बंद। आरआईएमएस में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी। कन्नौज में नवाब सिंह यादव के मामले में बोले बीजेपी नेता सुब्रत पाठक, नवाब सिंह मामले में सपा अपना रुख बताए। नवाब सिंह मामले में सपा क्लियर करे अपना स्टैंड। जिला अध्यक्ष कह रहे, सपा का सदस्य नहीं है। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी के साथ भी सपा खड़ी रही। सपा का ये भी घृणित चेहरा उजागर हुआ।
कांग्रेस की आज मीटिंग में 5 मुद्दों पर हुई चर्चा। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिडनबर्ग, बेरोजगारी और महंगाई पर की चर्चा। संविधान पर हमला, जातिगत जनगणना पर हुई चर्चा, एमएसपी की कानूनी गारंटी, अग्निवीर पर हुई चर्चा। डॉक्टर रेप के बाद मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का दिया आदेश। कल सुबह सीबीआई को केस डायरी सौंपी जाएगी। 3 हफ्ते के बाद कोलकाता एससी में होगी सुनवाई। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां हुई तेज। संगम की रेत पर 13 जनवरी से शुरू होगा महाकुंभ। 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा महाकुंभ। देश का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर हुई अहम बैठक। लखनऊ में महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। महिला अत्याचार को लेकर धरना प्रदर्शन। विधानसभा घेरने जा रही महिलाओं को पुलिस ने रोका। कांग्रेस कार्यालय के पास कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। हिरासत में लेकर प्रदर्शनकारियों को ईगो गार्डन भेजा गया। महिला आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर किया गया था प्रदर्शन। देहरादून में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में 36 बिंदुओं पर कैबिनेट की मोहर लगी। एक प्रस्ताव को 20 अगस्त की कैबिनेट में भेजा गया। सत्र से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में भेजा गया। 20 अगस्त से गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू होगा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा मिला। डोईवाला नगर पालिका को ए ग्रेड में प्रमोट किया गया। कई विभागों के नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी मिली। झंडा फहराने को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। एक चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने से रोका गया। झंडा फहराने से रोकना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। तिहार से महाठग सुकेश की चिट्ठी पहुंच जाती है। सुकेश की चिट्ठी तुरंत एलजी के पास पहुंच जाती है और वो इस पर एक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन चुनी हुए मुख्यमंत्री की चिट्ठी नहीं पहुँच पाती। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति की फिल्में निशुल्क दिखाई जाएंगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर थिएटर में मिलेगी जगह। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए भी थिएटर आरक्षित किए गए। दिव्यांग स्कूली बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सीटें आरक्षित। हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस हमलावर। 22 अगस्त को करेगी देश भर में प्रदर्शन। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी हिडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी जांच की मांग करते हुए जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही। कुशीनगर में नाबालिग को बहलाकर भगा ले गया मौलाना। नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर किया निकाह। नाबालिग का नाम बदलकर रखा रानी खातून। जबरदस्ती संबंध बनाकर किया नाबालिग को प्रेग्नेंट। जानकारी होने के बाद मां ने पुलिस से लगाई गुहार। पुलिस ने आरोपी मौलाना को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 सड़क हादसों के खून से रंगा। पिछले 24 घंटे में 3 हादसों में 7 की मौत। मंसूरपुर में 5 की मौत। नई मंडी में 2 की मौत। ओवरलोड वाहन ओवर स्पीड हादसों का कारण। तीनों हादसों में बाइक सवार लोग हुए शिकार। पुलिस ने 7 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार की नीतीश सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर सक्रिय। नीतीश सरकार का ऐलान। संपत्ति की जांच कराने के बाद नीतीश सरकार उन जमीनों पर बनाएगी 21 मदरसे।